हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रियल कैनेडियन लाइव। दोस्तों, रिसेंटली सास्केचवान पीएनपी के बैक टू बैक दो ड्रॉज हो चुके हैं। तो जो लोग कैनेडा आना चाहते हैं उन पीआर, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि अगर आपका सीआरएस स्कोर है वो इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपके पास कोई भी पीएनपी का नॉमिनेशन मिल जाए, कोई भी प्रोविंस से नॉमिनेशन मिल जाए। तो उस हिसाब से जो एसआईएनपी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बारे में मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं और आप लोगों का उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्यार मुझे मिला है, उसके लिए आप सभी का बहुत थैंक यू। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि रिसेंटली अप्रैल 20 और मई 5 यहाँ पर बैक टू बैक दो ड्रॉज हो चुके हैं, और उसके अंदर जो कट ऑफ है वो लास्ट वाले ड्रॉ में 69 और रिसेंट ड्रॉ के अंदर 68 तक गया है। और ये जो कट ऑफ है उसके साथ साथ कौन कौन सी एनओसी वगैरह है वो आप यहाँ पर साइड में देख पाओगे। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन सी एनओसी है, उनके क्या जॉब टाइटल्स वगैरह हैं और क्या कट ऑफ रहा है। कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बनाकर ये भी बोला था कि अभी रिसेंटली सास्केचवान में ड्रॉ क्यों नहीं हो रहे हैं, उसका रीज़न ये था कि उस टाइम पर विंटर था, वो काफ़ी पीक के ऊपर चला गया था। तो जैसे ही मेरा अजम्पशन था और वो देखने को मिलता है यहाँ पर कि जैसे जैसे समर का टाइम आता है, स्प्रिंग में से समर का टाइम आता है, उस हिसाब से ड्रॉज है वो इनवाइटिंग जो नंबर होते हैं वो यहाँ पर काफ़ी बढ़ जाते हैं। ये दो ड्रो के अंदर ऑलमोस्ट 2000 लोगों को इनवाइट किया गया है, तो यहाँ पर ये जो नंबर है ये भी काफ़ी बड़ा है। और जैसे जैसे ये समर आगे बढ़ेगा उस हिसाब से ये जो नंबर है ये भी आगे बढ़ेंगे, और जो कट ऑफ है ये भी इससे कम आने के चांसेस है। तो जो लोग अभी सास्केचवान पीएनपी में अपनी फ़ाइल लगाने की वेट कर रहे हैं वो उनके लिए बेस्ट टाइम है, अभी अपनी जो फाइल है वो लगा देनी चाहिए पूल के अंदर, क्या पता आपका भी नंबर अचानक से लग जाए। तो सास्केचवान वगैरह में फ़ाइल लगाई जाती है तो उसमें काफ़ी सारी ऐसी बात होती है जो एजेंट्स आपको नहीं बताते हैं या आपको मिसगाइड करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरे एजेंट ने मुझे अच्छा नहीं बताया है या फिर मेरे एजेंट ने मुझे जो बोला है इतने ज़्यादा पॉइंट्स मुझे नहीं हो रहे हैं और मुझे अपनी प्रोफाइल है वो एक बार इवेल्यूएट करवानी है, मुझे अपने पॉइंट्स वगैरह क्या हो रहे हैं वो चेक करवाने हैं और मेरी क्या एनओसी वगैरह आ रही है, वो सारी प्रोफाइल अगर आपको डिस्कस करनी है तो आप मुझसे 1-to-1 पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। कैसे कंसल्टेशन अवेल करना है ये जानने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे फेसबुक पेज रियल कैनेडियन लाइफ के ऊपर आप मुझे डीएम कीजिए, वहाँ पर मैं आपको गाइड कर दूँगा। और दोस्तों, यहाँ पर ये मैं जहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ उसके पीछे की जो ट्रेल है आप यहाँ पर देखिए, ये वॉकिंग ट्रेल है, उसके ऊपर जाकर मैं वीडियो बनाता हूँ। और उसके अलावा यहाँ पर जो जंगल वगैरह का सीन है ये काफ़ी अच्छा है। देखिए आप यहाँ पे अभी जो समर का टाइम आ गया है तो काफ़ी सब यहाँ पर ग्रीन देखने को मिल रहा है। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ मेरे लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि कौन सी एनओसीज़ है, क्या टाइटल वगैरह है, और बाकी की डिटेल वहाँ पर आपको शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारी एनओसी वगैरह है, तो आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपकी जो एनओसी है वो एनओसी का कोड क्या है, साथ ही साथ एनओसी का जो टाइटल आता है वो क्या है, और आपका एसआईएनपी के जो स्कोर्स है वो कितने हैं, ताकि आपको भी ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चले कि आपके कितने चांसेस होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसआईएनपी इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर का जो ड्रॉ है मे 3 को यहाँ पर अपडेट हुआ है, जो मे 3 को ऑक्यूपेशन इन डिमांड में 68 कट ऑफ रहा है मिनिमम, और यहाँ पर 293 कैंडिडेट्स को इन्वाइट किया गया है, जबकि एक्सप्रेस एंट्री वाले 739 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया है। कट ऑफ है दोनों का 68, दोनों की एनओसी है वो भी बिल्कुल सेम है। जबकि हम बात करें कि अप्रैल 20 को जो ड्रॉ हुआ था उसमें ओआईडी स्ट्रीम वाले 69 कट ऑफ रहा था और 444 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया था, और सेम ड्रॉ के अंदर एक्सप्रेस एंट्री के 623 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया है। पुराना वाला जो ड्रॉ हुआ था अप्रैल महीने का उसमें टोटल 38 एनओसीज को इनवाइट की गई है, और ये जो ड्रॉ हुआ उसमें 32 एनओसी को इनवाइट किया गया है। तो कौन कौन सी एनओसी है यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहली है 13201, जिसके अंदर आता है प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर, जिनकी लॉजिस्टिक वगैरह की जॉब्स वगैरह है उनकी जो एनओसी है वो इसके अंदर लाई करती है। 21203 लैंड सर्वेयर, जिसके अंदर सिटी सर्वेयर या लैंड सर्वेयर प्रॉपर्टी सर्वे का जो काम करते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। फिर आते हैं आईटी वाले डेटा साइंटिस्ट, तो डेटा साइंटिस्ट से रिलेटेड उनकी जो भी जॉब्स है वो अभी थोड़ी डिमांड में है सास्केचवान में।
21220 जो कि है साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, जिनकी सास्केचवान में नहीं पूरे वर्ल्ड में डिमांड रहती है। रिसेंटली इन लोगों को यहाँ पर इनविटेशन भेजना स्टार्ट किया गया है। 21221 जो कि है बिजनेस सिस्टम स्पेशलिस्ट, जो आईटी वाले जो होते हैं उन लोगों को यहाँ पर ज़्यादा प्रीफर किए जाते हैं। तो जिसके अंदर यहाँ पर आप एग्जांपल देखिए कि बिजनेस सिस्टम्स एनालिस्ट, इंफॉर्मेशन आईटी वाले बिजनेस एनालिस्ट है। 21223 जिसके अंदर आता है डेटाबेस एनालिस्ट एंड डेटा एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो जिन लोगों की एनओसी डेटा वाले लोगों की जो आती है वो इसके अंदर आती है। 21230 जो कि है कंप्यूटर सिस्टम्स डेवलपर एंड प्रोग्रामर्स, तो रिसेंटली जो आईटी है वो काफ़ी ज़्यादा बूम कर रहा है पूरे कैनेडा के अंदर। तो आईटी वाले जो भी लोग हैं, जो भी आपकी एनओसी वगैरह है, आपकी यहाँ पर डिमांड रहने ही वाली है और इन फ्यूचर भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो रहेगी। तो इस हिसाब से ये 21230 का एनओसी कोड है। 21232 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड प्रोग्रामर्स, जो भी आईटी वाले बंदे हैं उनको पता ही होगा, इसकी थोड़ी सब कैटेगरी में वेब डेवलपर्स वाली एनओसी भी आती है। तो जिसके अंदर 21233 आती है वेब डिज़ाइनर्स, तो जिसके अंदर बेसिकली कोडिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है। इसके बाद आते हैं 21234 वेब डेवलपर्स एंड प्रोग्रामर्स, तो ये बेसिकली आपका सॉफ्टवेयर और वेब डिज़ाइनिंग ये दोनों को कंबाइन करके जो वेब डेवलपर एंड प्रोग्रामर्स की एनओसी है वो यहाँ पर आती है। 21301 मैकेनिकल इंजीनियर्स, तो जिसकी वैसे भी सास्केचवान में डिमांड रहती ही है। इसके बाद है 21321 जो कि है इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स, कि जिसके अंदर इंडस्ट्रियल इंजीनियर है, प्लांट इंजीनियर है, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर्स है और इसके साथ साथ काफ़ी सारे रोल्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। 22220 कंप्यूटर नेटवर्क एंड वेब टेक्नीशियन, तो ऑब्वियस बात है कि जब आईटी वालों की डिमांड होगी तो कंप्यूटर का नेटवर्क टेक्नीशियन की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होगी, तो वो है। 22221 यूज़र सपोर्ट टेक्नीशियन, जो भी आईटी में काम करते हैं उनकी यहाँ पर डिमांड है। उसके बाद हेल्थ केयर सेगमेंट के अंदर आते हैं कि जिसके अंदर है 31203 ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, तो जो फिजियोथेरापिस्ट है उनमें से काफ़ी सारे जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट कहलाते हैं, वो लोग यहाँ पर आते हैं। 32102 पैरामेडिकल ऑक्यूपेशंस, की जिसके अंदर एडवांस्ड केयर पैरामेडिक है, एम्बुलेंस अटेंडेंट है, एम्बुलेंस सर्विस सुपरवाइजर है, क्रिटिकल केयर पैरामेडिक है, ये जो भी मिसेलिनियस एनओसी आती है वो पैरामेडिकल ऑक्यूपेशंस के अंदर आती है। 32120 मेडिकल लैब टेक्नीशियन, जिसकी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है और कट ऑफ है ये 68 तक आ चुका है। इसके बाद है 32121 मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट, तो जो भी रेडिएशन थेरापी करते हैं, एक्सरे वगैरह टेक्नीशियन होते हैं वो सब यहाँ पर आते हैं। 32122 मेडिकल सोनोग्राफर्स, जो सोनोग्राफी वगैरह करते हैं। 32123 कार्डियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजिस्ट, तो जिसके अंदर जो कार्डियोलॉजी सेगमेंट ECG EEG वगैरह टेक्नोलॉजिस्ट है वो इसके अंदर आ जाते हैं। 41301 थेरापिस्ट इन काउंसलिंग एंड रिलेटेड स्पेशलाइज्ड थेरापीज, तो ये सब यहाँ पर रोल्स आ जाते हैं। और यहाँ पर एक ये जो एनओसी है ये काफ़ी सरप्राइजिंग लगी मुझे, ये है 62100 टेक्निकल सेल्स स्पेशलिस्ट होलसेल ट्रेड, कि जिसके अंदर जो काफ़ी सारे जो फार्मास्यूटिकल फील्ड के बंदे हैं वो मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि हमारी कौन सी एनओसीज आएगी, तो वो ये वाली एनओसी के अंदर लाई करते हैं। नेक्स्ट आते हैं 70012 जो कि है फैसिलिटी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मैनेजर्स, तो जिसके अंदर एयरपोर्ट मैनेजर, एरेना मैनेजर्स, कैंपस मेंटेनेंस मैनेजर, इस तरह के रोल्स आते हैं। 72024 सुपरवाइजर्स मोटर ट्रांसपोर्ट एंड अदर ग्राउंड ट्रांजिट ऑपरेटर्स, तो इनकी भी मैं बात कर रहा हूँ कि लगातार ये वाली जो एनओसी है ये ऑलमोस्ट सारे ड्रो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। 72100 मशीनिस्ट एंड मशीनिंग एंड टूलिंग इंस्पेक्टर्स, तो ये वाली एनओसी है ये इतनी ज़्यादा डिमांड में नहीं है लेकिन इस बार थोड़ी देखने को मिली है। 72106 वेल्डर्स एंड रिलेटेड मशीन ऑपरेटर्स, तो जो भी वेल्डिंग वगैरह का काम होता है वो यहाँ पर आता है इस एनओसी के अंदर। यहाँ पर एक एनओसी है जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ओपन नहीं हो पाई, तो ये है 72201 इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन, तो ये है बेसिकली जॉब बैंक के ऊपर आपको नंबर ऑफ जॉब्स दिखा रही है। 72400 कंस्ट्रक्शन मिल राइट्स एंड इंडस्ट्रियल मैकेनिक्स, तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये इसके अंदर आ जाते हैं।
72401 हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट मैकेनिक्स, कैटरपिलर ट्रैक्टर रिपेयरर है, क्रेन रिपेयरर है, डीजल इंजन मैकेनिक है, ये सारी जॉब्स इसके अंदर आती है। 72410 ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियंस, ट्रक एंड बस मैकेनिक्स एंड मैकेनिकल रिपेयरर्स, तो जो इंडस्ट्री के जो भी मशीन के बाद जो ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग वाले लोगों की डिमांड है वो यहाँ पर है। एग्रीकल्चर की डिमांड हर बार रहती है। 82030 एग्रीकल्चरल सर्विस कॉन्ट्रैक्टर्स एंड फार्म सुपरवाइजर्स, और बाद में यहाँ पर 92100 पावर इंजीनियर्स एंड पावर सिस्टम ऑपरेटर्स, तो जो भी पावर प्लांट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर इंजीनियर्स की डिमांड होती है वो इसके अंदर आते हैं। तो दोस्तों ये जो सारी एनओसीज वगैरह है सास्केचवान में, ये रिसेंटली ड्रो के अंदर सिलेक्ट हुई है। अगर आपकी भी एनओसी इनमें से कहीं पर आ रही है तो आप भी ट्राई कीजिए और जल्दी से जल्दी आप एसआईएनपी की अपनी जो फाइल है वो पूल के अंदर सबमिट कर दीजिए, ताकि जो भी नेक्स्ट ड्रो वगैरह हो उसके अंदर आपको आने के चांसेस है वो ज़्यादा हो जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि ये जो 68 का कट ऑफ है ये कम होके 65 या 60 तक आ जाए, ताकि जो लोग वेट कर रहे हैं उनका नंबर भी लग जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी, इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।